থাকো। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज टू यूट्यूब पर हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ चल रहे हैं, और दो लोग और हैं, एक बड़े भैया हमारे और एक चाचा जी हैं। वो लोग अभी आए नहीं हैं, वो लोग अभी आएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को मड़ुआटी जाना है, तो अभी हम लोग बनार जंक्शन पे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, बाहर आ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग रिक्शा करेंगे तो वाराणसी जंक्शन से अभी मड़ुआटी के लिए जाएंगे हम लोग। हम हैं वाराणसी जंक्शन पे, हमारे साथ विवेक भी है, अभी हमारे बड़े भैया भी है, बीच वाले भैया भी है, मतलब कई लोग, हम लोग 6-7 लोग हैं। तो हम लोग यहाँ से मड़ुआटी से पकड़ना है ट्रेन और जाना है हम लोगों को मैहर। ये है हम लोग का रिक्शा जो कि बुक हो गया है, वाराणसी जंक्शन से 100 रुपये में मड़ुआटी पहुँचा देगा। एक लोग और आ रहे हैं, दीपक चाचा, जो कि अब हम लोग इसमें बैठेंगे और मड़ुआटी के लिए चलेंगे। तो अभी वीडियो में बने रहिए। अरे भैया, मैं कहाँ बैठूंगा, सामान रख दोगे? तो अभी एक लोग, दो लोग और बैठे वाले हैं। अभी रिक्शा में बढ़ गया है, लेकिन बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, वो ड्राइवर दिख नहीं रहा। और ये विवेक जो कि इनका नंबर दे दिया, चुप चुप करा रहे हैं। चुप रहो नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे, से डिपार्टेड हो गए हैं, मड़ुआटी के लिए पहुँच रहे हैं। ये बड़े भैया हमारे आ गए जो कि आगे बैठे हैं, ये बारिश है। तो अभी वीडियो बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं अभी मड़ुआटी के लिए। हम आ गए हैं बनारस स्टेशन पे, और यहाँ से स्वचालित सीढ़ी जो कि हम लोग को चढ़ना है। तो अभी दीपक चाचा का हम लोग वेट करेंगे, वो आ जाएंगे तभी हम लोग चलेंगे यहाँ से। तो अभी देखते रहिए। आ गए हैं ब्रिज पे, तो देखना ये है कि हमारी ट्रेन कौन सी है। यहाँ बहुत सी ट्रेनें लगी है, तो हम लोग जा रहे हैं सर्च करने के लिए कि हमारी ट्रेन कौन सी है इसमें से। तो अभी चलेंगे, बैठेंगे। दीपक चाचा आ गए हैं और अमरुद ले गया है, तो अमरुद हम लोग खा रहे हैं। बस यहाँ चलेंगे अब कवायली में, यही बगल में ही लगी हुई है। तो अपने बोगी में बैठेंगे, अपने कोच में, और उसके बाद हम लोग रवाना होंगे मैहर के लिए। सवारी निकल चुकी है कवायनी में बैठने के लिए। देखिए, तो ये लोग अभी यही कवायनी, वो दो आपको ट्रेन दिख रही है, यही ट्रेन है। और कोच के सामने हम लोग खड़े हैं, तो अभी गेट नहीं खुला है, तो जब गेट खुलेगा तभी अंदर जा पाएंगे। तो आप लोगों को ही पता होगा, अभी देखते हैं कब तक गेट खुलता है। सीट पे अब एडजस्टमेंट होगा, जैसे जैसे उसे देखा जाएगा कि एडजस्टमेंट करना है। इनको बहुत हंसी आ रही है, तो इनको मैं एक लाख मारूंगा और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी हम लोगों को एसी में गर्मी हो रहा था, तो अपना अपना हम लोग शर्ट वर्ट खोल लिए हैं। इनको तो मान लीजिए कि शर्ट पे ही थे, और बाहर भाई साहब हैं, और ये बारिश है, अभी हमने खोल लिया है। लेकिन मिला है व्यवस्था ओढ़ने ओढ़ने के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी अभी ट्रेन खुली नहीं है, खुल जाएगी तो फिर देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉपेज, कितने स्टॉपेज हैं मैहर तक का। थोड़ा भूख लगा था तो हम लोग खाना शुरू कर दिए हैं। आने तो दोस्तों,
तो अभी पता नहीं क्या क्या ये लोग खरीद के लाए हैं, तो अभी हम लोग खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं, तो अभी हम लोग बस खा ही रहे हैं, बस खा रहे हैं। तो ये बस ये वही लोग हैं जो सिर्फ खा रहे हैं। हम तो भैया अपना बिछा उछा लिए हैं, अब अपना रेस्ट कर रहे हैं। बाकी लोग भी, ये भैया है जो कि अभी अपना रेस्ट कर रहे हैं, चाचा अभी, ये दोनों बच्चे जो है इन लोगों को खिड़की चाहिए था, अभी भी बच्चे हैं दोनों, तो ये दोनों खिड़की के पास बैठे हैं। और ये तो राजा साहब, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना कहीं भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अभी तो हम लोग पता नहीं किस स्टेशन पर उतरे रुके हैं, अभी तो पता नहीं, अभी जाएंगे देखेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बने रहिए। मोहम्मद ढको पता ही, तो अभी नहीं कुछ चला, स्टेशन वेशन नहीं दिख रहा है आसपास, लेकिन स्टेटस चेक करने पे पता चला है कि भदोही के आसपास ये आउटर पे आई होप की खड़ी है। तो अभी ये भदोही स्टेशन पे पहुंचेगी और हम लोगों का उतरने का टाइम है रात को 12 बजे। हम लोग मझेर स्टेशन पे रात को 12 बजे उतर जाएंगे। तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या होता है रास्ते पे और कैसे कैसे, तो वीडियो में बने रहिए। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी से ही सब अपने अपने जगह पे आ गए हैं। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। ये देखिए उनका सीट ही नहीं है, अपना हो पा रहा है, ये दूसरे की सीट पे जाके लेटे हुए हैं। अपने देखिए मेरे पास विवेक श्रीवास्तव जी हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। वारिश को बोले अपने जगह चला जाए, तो लोग खाना पीना खा रहे हैं। गाड़ी अभी प्रयागराज जंक्शन पे रुकी है, तो हम लोग थोड़ा 2-4 मिनट लिया है बाहर ऐसे ही टहलने घूमने के लिए। अभी फिर अंदर चले जाएंगे, अपनी जगह पे ही थे, सो रहे थे, तो कुछ ऐसे ही मन किया थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। तो प्रयागराज जंक्शन को देखिए, दरवाजे से हमारे वारी देख रहे हैं हम लोगों को, बस हम लोग दिख नहीं रहे हैं उसको। तो ये प्रयागराज जंक्शन है, आप देख सकते हैं। फिर से खाना हम लोग खाते हुए ऑर्डर किए थे, तो खाना आया है। इधर बैठे हैं वारिश और इधर भैया दीपक भैया, और ये नीचे मिडिल बर्थ पे ठीक से बैठ नहीं पा रहे, खाना का खाएंगे ना चिंते हुए आदमी। हम देखे किम खा रहे, मन नहीं था खाने का, ऑर्डर हो गया था तो क्या ही किया जाता, बस कोई बात नहीं। अभी भी तो अभी भी छोड़ सकते हैं। अभी हम लोगों को मैहर पहुँचने में 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा लग जाएगा। स्टेशन आने वाला है, देखिए सबको ठंडा लग रहा है, तो सब अपना अपना व्यवस्था कर रहे हैं, हाथ में जैकेट वगैरह से। तो यहाँ लोगों को करना है तो वहाँ से 10 मिनट लगेगा, तो अभी हम लोग मैहर स्टेशन पे उतर गए हैं। बाकी लोग तो उधर जल्दी जल्दी में चले गए, हम और बारिश थोड़ा पीछे थे, बैग भारी है तो आराम से चलना पड़ रहा है। बाकी स्टेशन अब देखते हैं कि आगे का व्यवस्था क्या है, रूम वूम लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि रूम ले लेंगे तो सुबह के लिए आसानी रहेगा, नहा धोवा के आदमी आराम से दर्शन करेगा। अभी वीडियो में नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं, ऑटो मिल गई है, अभी हम लोगों को रूम पे लेके चलेगा, तो देखते हैं रूम कैसा होता है क्या होता है, फिर वहाँ हम लोग अपना चेंज वेंज करके और आराम से सोएंगे। फिलहाल होटल के लिए रवाना होते हुए हम लोग सारे लोग बैठ चुके हैं। दिख तो नहीं रहे होंगे वो लोग। हाँ ठीक है ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, आई थिंक राइट, जी आई एम राइट। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल पे, सामान वामान ये लोग उतार रहे हैं, तो जाके भैया हमारे बात करेंगे कि क्या मूल्य है एक रूम का। तब तक हम लोग देखते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वारिस, तो अभी देखते हैं क्या मूल्य है, फिर रूम में जाके उसके बाद रिव्यू करें। तो अभी हम लोगों को रूम मिल गया है, तो ये सब यात्री जो हैं वो रूम में जा रहे हैं। रूम हमको लग रहा है आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर पे है, तो हम लोग पहुँच रहे हैं रूम के लिए।
अभी अंकल जी दरवाजा खोल रहे हैं, देखते हैं घर का व्यू कैसा होता है। जी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मूल्य इसका है 1100 रुपये, हम लोग इसका 1100 रुपये पे किए हैं। बाकी सब यात्री यहाँ आ गए, हम लोग यहाँ आराम से अपना रेस्ट करेंगे सुबह नहा धो के। ये अंकल जी है जो कि ऑटो से हम लोगों को लाए हैं होटल तक, और बाकी ये लोग हैं। सो अभी हम लोग आ गए रूम पे, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कर दिया जा। जय हिंद। कर दिया जा।